आई एम मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे MSCIT एरा का सेशन नंबर 45 का टेक अ चैलेंज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यहाँ से सेशन नंबर 45 से 5 क्वेश्चंस एक बिट में एक क्वेश्चन में आएंगे। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इस तरह से यहाँ पर राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है ये सब एक कलेक्शन है 5 क्वेश्चंस का एक चैलेंज के अंदर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। हमें यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन ओपन करना है, लेकिन याद रहे जब हम इस किस्म के क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ से जो 3 अटेम्प्ट्स है दिए हुए, जिस तरह से हम हमेशा से यूज़ कर सकते हैं, तो अगर ये लास्ट क्वेश्चंस तक अगर हम जाते हैं और अगर अटेम्प्ट गलत होता है तो वो डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा लास्ट क्वेश्चंस में। और उसके अलावा अगर हम 20 में गलती करते हैं और अगर हमें मार्क्स लूज़ नहीं करने, तो हमें दोबारा अगला क्वेश्चन लगाकर इसे रिपीट करना होगा। और सारे क्वेश्चंस को अगर हम 3rd नंबर के क्वेश्चंस पर भी रुक जाते हैं या फिर बराबर नहीं करते, तो हमें 1st से चालू करना होगा। कभी कभी ये हैंग भी हो जाता है चलते चलते, तो इसे अच्छे से नॉर्मल स्पीड में करना है। तो सबसे पहला सवाल है कि यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। इसके लिए हम स्टार्ट मेन्यू में, स्टार्ट बटन में जाएंगे। वहाँ से हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और लिस्ट में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 जो है वहाँ क्लिक करेंगे और वहाँ से वर्ड 2013 को क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके ये हमारा वर्ड एप्लीकेशन हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर से क्लिक करना है, तो डायरेक्टली जंप होगा 2nd वाले क्वेश्चन पर इस कलेक्शन से। अगला क्वेश्चन है, अप्लाई बोल्ड एंड इटैलिक इफेक्ट टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसको हमें बोल्ड और इटैलिक इफेक्ट देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर से बी और आई पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह बोल्ड और इटैलिक इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज फॉन्ट कलर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये जो सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है इसका हमें फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉन्ट के सेक्शन में से इसमें टेक्स्ट कलर में जाएंगे और वहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग। हमें पैराग्राफ की स्पेसिंग रिमूव करना है यहाँ से, तो उसके लिए हम पैराग्राफ के सेक्शन से रिमूव करेंगे, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। लास्ट 5th वाला क्वेश्चन टेक अ चैलेंज 441 का, फॉलो अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंसर्ट टेक्स्ट वाटरमार्क। हमें इसमें टेक्स्ट वाटरमार्क इंसर्ट करना है, उसके लिए हम मेन्यू बार से डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से वाटरमार्क पर हम क्लिक करेंगे और कस्टम वाटरमार्क जो यहाँ पर ऑप्शन है वहाँ जाने के बाद हम टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे रेडियो बटन पर और वहाँ से टेक्स्ट लिखेंगे जो हमें लिखना है, उसे अप्लाई करके क्लोज कर देंगे। टेक अ चैलेंज 442, इसका सवाल है सबसे पहला, चेंज द पेज बैकग्राउंड कलर। पेज का बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, उसके लिए हम मेन्यू बार से डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से पेज कलर ऑप्शन है वहाँ सेलेक्ट करके कोई भी कलर हम ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट रेक्टेंगुलर शेप इन योर न्यूज़ लेटर।
ये हमने एक न्यूज़ लेटर तैयार किया है, इसमें हमें एक रेक्टेंगुलर शेप इंसर्ट करना है। तो वहाँ पर हम मेन्यू बार से इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और शेप्स में से एक रेक्टेंगल वहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट टेबल इन द न्यूज़ लेटर। ये एक न्यूज़ लेटर है, इसमें हमें टेबल इंसर्ट करना है। उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से टेबल पर क्लिक करेंगे, वहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और उसे ओके कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। हमें डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है, तो मेन्यू बार से हम रिव्यू में जाएंगे और वहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करके चेंज करते रहना है, हमें ओके कर देंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिश द गिवन डॉक्यूमेंट इन टू PDF फॉर्मेट बाय यूजिंग एक्सपोर्ट ऑप्शन। हमें इस डॉक्यूमेंट को पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल यानी PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए हम मेन्यू बार में जाएंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे और क्रिएट PDF करके वहाँ से हम पब्लिश कर देंगे। नेक्स्ट 443 टेक अ चैलेंज। पहला सवाल है, अलाइन द सेलेक्टेड शेप टू मिडल पोजीशन। जो सेलेक्ट किया हुआ एक शेप है, ये शेप इसे मिडल पोजीशन में लाना है, तो वहीं पर ऊपर पोजीशन लिखकर आएगा और लेकिन इसमें से अलाइन करना है शेप को, तो अलाइन का ऑप्शन अक्सर यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड के बाजू जो है वहाँ होता है, तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे और उसे अलाइन मिडल करेंगे। अलाइन मिडल करने पर वो इस तरह मिडल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू ग्रुप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। हमें कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रुप करना है सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में। उसके लिए हम यहाँ पर जैसे अभी अलाइन पर गए थे, उसके नीचे ही ग्रुप का एक ऑप्शन है, वहाँ से ग्रुप पर हम क्लिक कर देंगे, इस तरह से ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूव फिल कलर एंड आउटलाइन ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट बॉक्स। हमें इस सेलेक्ट की हुई टेक्स्ट बॉक्स का फिल कलर और आउटलाइन दोनों कलर निकालने हैं। तो फॉर्मेट में हमें सबसे पहले देखना है कि हम फिल कलर किसका निकाल रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम शेप फिल में जाएंगे और नो फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उसी के नीचे शेप आउटलाइन है, शेप आउटलाइन में जाने के बाद नो आउटलाइन वहाँ पर से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट इंडेंट ऑफ द सेलेक्टेड पैराग्राफ। हमें इंक्रीज करनी है इंडेंट सेलेक्टेड पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ की इंडेंट के लिए हम पैराग्राफ के सेक्शन से यहाँ पर ये दो इंडेंट होते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, तो हम इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द पोजीशन ऑफ द सेलेक्टेड पिक्चर। अब यहाँ अलाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर पोजीशन में जाने के बाद हम कोई भी पोजीशन पिक्चर की ले लेंगे। टेक अ चैलेंज 444 का पहला क्वेश्चन, चेंज द पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप। पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है यानी आड़ी, तो हम मेन्यू बार से पेज लेआउट में जाएंगे और वहां से ओरिएंटेशन के ऑप्शन से हम लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट कॉपीराइट सिंबल इन द डॉक्यूमेंट। हमें एक कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में, उसके लिए हम मेन्यू बार से इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से सिंबल में जाएंगे और एक कॉपीराइट वाला जो गोल कलर का है और उसमें सी लिखा है, वो कॉपीराइट का सिंबल हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेट सेलेक्टेड शेप टू फ्लिप वर्टिकल। शेप जो हमने सेलेक्ट किया है उसे रोटेट करना है फ्लिप वर्टिकल, तो हम यहाँ पर रोटेट के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से फ्लिप वर्टिकल लिखा है वहाँ क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई बीवेल इफेक्ट टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है उसको बीवेल इफेक्ट देना है। तो यहाँ पर दो इफेक्ट आते हैं, शेप इफेक्ट और टेक्स्ट इफेक्ट। तो हमें टेक्स्ट इफेक्ट में जाना है और वहाँ से बीवेल पर हम जाएंगे और कोई भी स्टाइल ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड योर वेडिंग कार्ड एज एन अटैचमेंट यूजिंग शेयर ऑप्शन। हमें हमारा वेडिंग कार्ड सेंड करना है अटैचमेंट के तौर पर, तो सॉरी हमारा नहीं है, जो बना है उसको शेयर करना है। तो फाइल में आने के बाद यहाँ से शेयर पर हम क्लिक करेंगे और ईमेल पर जाएंगे, वहाँ से सेंड ईमेल एस अटैचमेंट, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। टेक अ चैलेंज 445 का फर्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट पिक्चर इन योर एसे। ये हमने एक एसे लिखा है तो उसमें हमें एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट में पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द अलाइनमेंट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट टू जस्टिफाई। ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो ये बिखरा हुआ है, जस्टिफाई से दोनों तरफ से सेम लाइन आ जाएंगी। तो हम यहाँ से पैराग्राफ के सेक्शन से यहाँ जो जस्टिफाई है ये फोर्थ वाला, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई बुलेट्स टू द सेलेक्टेड पैराग्राफ। हमें इस पैराग्राफ को बुलेट्स अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर ये बुलेट्स का सेक्शन है पैराग्राफ में, उस पर क्लिक कर देंगे सिंपली, तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई बॉक्स बॉर्डर टू द पेज। हमें पेज को बॉक्स की बॉर्डर देना है, तो हम डिज़ाइन में जाएंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे और वहाँ से बॉक्स लेंगे और उसे ओके कर देंगे, तो इस तरह पेज की बॉर्डर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट फूटर इन द डॉक्यूमेंट। हमें इस डॉक्यूमेंट में फूटर इंसर्ट करना है ताकि हमको लास्ट में पेज के लास्ट सेक्शन में लिखना ना पड़े बॉटम में। उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, फूटर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई भी फूटर सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह फूटर यहाँ पर आ जाएंगे। टेक अ चैलेंज 446 का MCQs, डैश रेफर्स टू द फिज़िकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ आर नेटवर्क। इनमें से क्या रेफर करता है फिज़िकल या लॉजिकल लेआउट एक नेटवर्क का? तो उसका जवाब है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर करती है फिज़िकल या लॉजिकल लेआउट एक नेटवर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिज़िकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क, ये वही सवाल है, इसे हम ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वांट टू चेंज द होम पेज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, परफॉर्म द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस इंटरनेट ऑप्शन। हमें चेंज करना है होम पेज इंटरनेट एक्सप्लोरर का, तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे इंटरनेट के ऑप्शंस? तो हम सबसे पहले ये जो पेज खुला है लास्ट में सेटिंग है, तो वहाँ पर से सेटिंग में जाएंगे हम। वहाँ जाने के बाद इंटरनेट ऑप्शंस में जाएंगे और ये इंटरनेट ऑप्शंस आने पर ये जवाब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, EQ स्टैंड्स फॉर। EQ का क्या फुल फॉर्म है? तो उसका होता है इमोशनल कोटेंट, यानी कि भावनात्मक गुण या फिर जज्बाती क्वालिटी इंसान की। तो इमोशनल कोटेंट ये होता है EQ का स्टैंड। नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, राकेश नीड्स टू लोकेट अ ब्लड बैंक नियर बाय, वेयर शुड ही क्लिक। राकेश को एक ब्लड बैंक लोकेट करना है नज़दीक में, वो कहाँ पर क्लिक करेगा? तो यहाँ पर ब्लड बैंक लिखा है, नियरेस्ट ब्लड बैंक, वहाँ पर वो क्लिक करेगा। तो ये था हमारा सेशन नंबर 45। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेशन नंबर 45 का सेशन एंड टेस्ट। थैंक यू।